हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट ज्ञान चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा मुंबई में हुए हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, जिसका कि मैं 0 डे से लेकर के दिखाऊंगा 8 महीने तक का रिजल्ट। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर देना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ फोटोग्राफ्स जिसके अंदर पेशेंट आप लोगों को नजर आ रहे हैं बाल्ड, आगे से भी गंजे हैं और पीछे वाले एरिया से, इसको बोला जाता है क्राउन, इसको बोला जाता है फ्रंट हेयर लाइन, दोनों जगह से थोड़े थोड़े गंजे हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने देखने के बाद डिसाइड ये किया कि पीछे की तरफ तो ग्राफ्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे ग्राफ्ट कहाँ पर, आगे की तरफ। पीछे की तरफ इसलिए नहीं लगाएंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि दवाइयों और PRP की हेल्प से ये जो है बाल ग्रो कर जाएंगे। आगे चल के बताऊँगा कौन कौन सी दवाइयों की बात हो रही है, यहाँ पर वीडियो में बने रहना। आगे की तरफ अब आप देखेंगे प्रोसीजर डे से पहले आगे की तरफ हेयर लाइन कैसे मार्क की गई है। दो तरीके से मार्क की गई, एक आगे और एक बीच में सर्कल बनाए गए। बीच वाले सर्कल का मतलब है कि यहाँ पर फिलिंग होगी और आगे की तरफ जो है वो डेंसिटी दी जाएगी। OT से जब बाहर आते हैं तो कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। हेयर लाइन आप चेक कर लें, डेंसिटी आप चेक कर लें, आप लोगों को पसंद आएगी। एक वीडियो की क्लिप भी डालूंगा, वो भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। हेयर ट्रांसप्लांट हो जाने के 7 डेज तक पेशेंट को दी जाती है पेन किलर, एंटीबायोटिक और गैस की गोली। ये 3 गोली पेशेंट लगातार खाते हैं, इससे उनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता और किसी तरीके का इन्फेक्शन भी नहीं होता। अब उसके बाद चलते हैं 15 दिन पर। 15 दिन के बाद मतलब 15 डेज के बाद ये जो सर का एरिया है क्लीन हो गया है, हेड वॉश हो गया है और 7 दिन के बाद किसी तरीके की मेडिसिन नहीं खाई है पेशेंट ने, हेड बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और इसी तरीके के बाल आगे चल के आप लोगों को नज़र आने वाले हैं और यही बाल आगे चल कर ग्रो होंगे। अब चलते हैं 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद शेडिंग फेस स्टार्ट हो गया है, जो लगाई हुई डेंसिटी नज़र आ रही थी वो धीरे धीरे जा रही है। 2 महीने में भी कुछ इस तरीके की नज़र आएगी और 3 महीने में भी कुछ इस तरीके की नज़र आएगी और डोनर एरिया आपको हील होता हुआ धीरे धीरे नज़र आएगा। यहाँ पर भी जो है हल्के हल्के बाल आना स्टार्ट हो गए हैं। मेडिसिन की बात कर रहा था मैं, बायोटिन और फेनेस्ट्राइड, उसी के साथ साथ PRP, ये 3 चीज़ें पेशेंट की लगातार चली हैं 6 महीने तक। और याद रहे इस वाले एरिया के अंदर भी अच्छे से PRP की गई, जिससे यहाँ के बाल भी ग्रो हों, साथ के साथ आगे तो की ही गई जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ था। अगर जो आप भी ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो आपको भी इन मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, इससे आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी स्ट्रांग होंगे और जो लगाए हुए बाल हैं वो भी जल्दी से जल्दी ग्रो होने में हेल्प होगी आप लोगों की। मगर ट्रांसप्लांटेड बालों की तो गारंटी है कि वो नहीं झड़ेंगे मेडिसिन छोड़ने के बाद भी, लेकिन एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो झड़ सकते हैं, इसलिए अपने हिसाब से जब आपकी हेयर थिनिंग हो आप मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। 4th महीने का रिजल्ट आप लोग देखें वीडियो के अंदर कैसा नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ फाइनल जो रिज़ल्ट आया है वो आया है पूरे कौन से महीने में, 8 महीने में। 8 महीने में पेशेंट का लुक कुछ इस तरीके का बन गया कि उनका लुक देखते ही बन रहा था। अगर जो आपको ये पसंद आ रहा है लुक, आपको लग रहा है अच्छा कि हाँ भाई नेचुरल रिजल्ट है और आप चाहते हैं कि आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट मुंबई क्लिनिक से ही करवाएं, तो दिए गए नंबर पर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो मुझे क्या कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपके लिए अवेलेबल हूँ। और इसी के साथ साथ अगर जो जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें बिना मत जाना और कमेंट सेक्शन में आकर के कुछ कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना इस वीडियो के बारे में, आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।